अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। पापा भी बिल्कुल ठीक हैं और पापा डिस्चार्ज भी हो गए हैं। पापा नानी के घर चले गए हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था नानी के घर जाने का, तो वो नानी के घर चले गए हैं। कल इंशाल्लाह वो घर आएंगे वापस, तो मैं आप लोग को ज़रूर मिलाऊंगी उनसे। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि पापा बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप सबकी दुआएं हम सब की दुआओं का नतीजा है कि टाइम से इलाज हो गया और टाइम से उन्हें हर चीज़ मिल गई। दवा भी यहीं से दवा मिलना शुरू हो गई, वरना यहाँ से हमारे यहाँ से कानपुर की काफ़ी डिस्टेंस है और 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे अम्मी के साथ हुआ था तो अम्मी के साथ भी ऐसे ही था, 3 से 4 घंटे लग गए थे हम लोग को पहुँचने में हमारे यहाँ से कानपुर। तो अम्मी को दवा टाइम से नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए अम्मी की प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो पापा के साथ ये चीज़ नहीं थी, पापा को ये था कि पापा को टाइम से दवा मिल गई थी, तो पापा माशाल्लाह से बिल्कुल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई और जल्दी से रिकवर हो गए। खैर, जो अल्लाह करता है अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक जो भी करता है अच्छा करता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम लोग के चेहरे पे ना बड़ी अच्छी सी स्माइल है सबके चेहरे पे। पप्पी जान और दादी ये लोग भी सब यहीं पर आ गई थी, बाकी रिश्तेदार हैं जितने मिलने जुलने वाले, सबके फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। आसपास के लोग हैं ना बेचारे, वो भी सब बहुत ज़्यादा पापा को चाहते हैं, वो सब मिलने आ रहे हैं। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन पापा जब कल आ जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पापा के साथ आप लोग के साथ ज़रूर व्लॉग बना के शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खुश हैं, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो कल पापा आएंगे, फिर आपको मिलाते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की बात अलहमदिल्ला हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स ना, आज पापा आ रहे हैं, पापा की छुट्टी हो चुकी है और ये देखिए बटरफ्लाई कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए। कितनी प्यारी लग रही है ना बटरफ्लाई, और मुझे लगता है इसका कुछ पर ना थोड़ा सा कट गया है, ये देखिए, इसीलिए वो ठीक से उड़ नहीं पा रही है और कहीं बैठना चाह रही है। बैठ जाइए, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नहीं, पता नहीं कहाँ बैठना चाह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको। तो फ्रेंड्स ना, हम लोग जल्दी से काम कर रहे हैं क्योंकि पापा आने वाले हैं और डिस्चार्ज तो कल ही हो गए थे, नानी के घर रुक गए थे, लेकिन वो नानी के घर से अब आ जा रहे हैं। मम्मी भी साथ में है, भैया भी है और खाला भी हैं बड़ी वाली, तो अली भी आएगा, तो हम लोग कई लोग हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब आ जाएंगे तो मैं आप लोग को मिलाऊंगी। वैसे फटाफट जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। हेलो गाइस, गाइस पापा आ चुके हैं घर और आप देख सकते हैं पापा बिल्कुल माशाल्लाह से फिट हैं। जब मैंने पापा को देखा ना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि पापा ये अभी अभी डिस्चार्ज होके आ रहे हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है और पापा को बस देखने वाले आना शुरू हो गया था। दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी, दादी सबसे पहले आ गई थी, सना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी पापा के लिए, और पापा भी सना को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको। बस हम लोग फटाफट से अंदर आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं पापा को आपको दिखाऊँगी, तो ये मेरे पापा हैं जो बैठ गए हैं यहाँ पर सुकून से और बस सब लोग का आना जाना शुरू हो गया है फटाफट। और बस हम लोग सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सना ने चाय रख दी बनने के लिए क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो चाय बनाएंगे सबसे पहले। जो मम्मी लोग आई हैं ना, तो इनको सबसे पहले चाय पिलाएंगे, और ड्राइवर आया था साथ में तो उसको ना ये नमकीन वगैरह भेज देंगे और चाय भेज देंगे। बाकी यहाँ पे ना चाय बिस्किट आराम से हम लोग खाए पिएंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चला था पापा आ गए, वैसे वैसे लोग देखने आ रहे थे पापा को। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, देखिए अनायसा आ गई है। गाइस देखिए अनायसा आ गई है, तो किसी दूसरे ने उठाया, हमने बल्कि तुम्हारा नाम भी लिया है बाबा, गलत कर दिया। तो गाइस से बात तो कर लीजिए। हेलो गाइस, आशा नो 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 नो, हेलो बोल दिया, हेलो अस्सलाम वालेकुम कर लिया। अरे कायदे से बोलिए, कायदे से। गाइस देखिए अनायसा की शरारतें देख लीजिए, कैसे शरारत कर रही हैं। ये आई हैं नानू पापा को देखने के लिए, पापा आ गए थे अभी आई हैं मिलने के लिए। उतर जी, हाँ मसाज, मारिया की मसाज कर रही है अनायसा, अनायसा मसाज कर रही है मारिया की। अरे थोड़ा
जनाजा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो सना बताएगी, सना आप पापा आ गए, आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बस ऐसे ही सेहत रहे। और ये बैठ गई, ये देखिए चुलबुली सी हमारी अनायजा। अनायजा को सबने बहुत मिस किया है, अनायजा ने भी सबको बहुत मिस किया। अनायजा बताइए, सब लोग बैठ जाओ इनके ऊपर, सही है, अभी देखेगा। बेटा जरा से जरा में निकल जाएगी। बेटा वो बहुत हैवी है, आप वो बहुत बड़ी है, हम आपके पर चल जाएं। आप तो फिर आलू का चिप्स बन जाएंगी, आलू का पापल बन जाएंगी, पापल। आप मेरे ऊपर चल जाओ। एक नाइट ड्रेस और मंगा दे अनायजा का। औदन तरती किस कलर है? किस कलर का ऑर्डर किया है? कौन सा कलर? रैबिट वाला। कलर कौन सा? यूनिकॉर्न वाला और रैम्बो वाला। रैम्बो वाला और पिंक वाला। पिंक वाला और येलो। अच्छा अच्छा, और फूल वाला। मैं मंगा दूं एक एक फूल वाला भी ला दे दिया। एक उसमें मैं नहीं थी, एक मारिया वाली हुई थी। एक मैं बनी हुई थी, एक मारिया बनी हुई थी। अच्छा अच्छा, बहुत फनी वाला था। फनी वाला ऑर्डर नहीं किया, फनी वाला ऑर्डर नहीं किया। अब गिर जाओगी। किसने ऑर्डर किया था? ऑर्डर नहीं किया। नो 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 नाजा, नो गंदी बात, गंदी बात। हाँ गाइस देख लीजिए भाई, इनका ये बैग है यूनिकॉर्न वाला है, और ये पार्टी हो रही है। आपको पता है गाइस, अभी अनायजा को रिलैक्स हो गया था, ज्यादा पंजिया पंजिया खा ली थी, ज्यादा हंस रही है ना इसलिए। और ये क्या है? बर्थडे में मिला था। बर्थडे में मिला था अनायजा की? ओ वाओ, नहीं भाई इनका सिपारा है। सिपारा आपके सबसे अच्छा छुपाला। और पानी डालना अच्छा लगता है, नमाज अच्छी लगती है, नमाज अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है, अरे वाह, क्लैपिंग करो भाई सब लोग। और ना फ्रेंड्स, सुम्बुल भी आ गई थी, अनायजा भी आ गई थी, दादी दादा इनके सब लोग, चाचू सभी लोग आ गए थे। तो माशाल्लाह से पूरे घर में बहुत अच्छे से रौनक हो गई थी, काफ़ी लोग आ रहे थे मिलने जुलने वाले। और ये देखिए दादी बहुत ज़्यादा बेचारी बुजुर्ग हैं, ये भी आई थी पापा को देखने के। इधर खाना भी रेडी हो गया था, बस खाना हम लोग फटाफट लगा रहे हैं क्योंकि सब लोग बैठ चुके हैं। और ना शाम की तैयारी भी, बिरयानी मैंने बना रही हूँ, तो मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी, फटाफट से हम बिरयानी बनाएंगे। और मसाला पीसने के लिए बस मैं खड़ी हुई थी, और मैं दिखाती हूँ आपको मसाला पीसने के टाइम हुआ गया था मेरे साथ। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये बहुत बड़ा लोचा हो गया है। ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अम्मी ढक्कन बंद करा था क्या? नहीं बंद किया था अम्मी, ज्यादा था, हमें लग ही रहा था ये ज्यादा है। मुसीबत है ये मेरी, डालो तो नहीं पड़ी, ये मेरी जान की जहमत हो गई। हमें ओवर ना हो जाए, सही बात है, जो दिल है उसी टाइम सही कर लो।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बिरयानी कितनी अच्छी सुंदर सी बन गई है बिरयानी, आप देख सकते हैं ये देखिए बिरयानी, ये कोरमा देख लीजिए कितना तैयार है मेरे मुंह पे गई सबसे पहले चाक से। तो फ्रेंड्स देखा ना मेरे साथ क्या हो गया, काम में काम बढ़ता है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे माशाल्लाह से और फिर भी इसके बावजूद भी बिरयानी ही बनाना थी और मैं आज समझ गई थी कि बिरयानी आज हमारी वाकई ख़राब हो जाएगी। और मैं मसाला पीसने के लिए खड़ी हुई और मसाला ऐसे पूरे मुंह पे आया मेरे, इतनी ज़्यादा जलन होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ईचिंग टाइप की हो रही थी। लेकिन जो है ना सना को मैंने बुलाया सबसे पहले कि वही मेरी साथी है, तो वो आ गई फटाफट से और उसने साफ़ सफाई करना शुरू कर दी। मैं तो बिरयानी की तैयारी करती रही लेकिन उसने ना सारी चीज़ों को साफ़ किया बहुत अच्छे से। आप लोग खुद जानते होंगे जब मसाला निकल जाता है इतना गिर जाता है, अक्सर लोगों क्या हो जाता है जो मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है तो ऐसे लोगों के साथ हो जाती है, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई ना तो बहुत ज़्यादा चीचा लेदर हो गई थी, इतना ज़्यादा गिर गया था चारों तरफ फैल गया था मसाला। खैर कोई बात नहीं, फटाफट से हम बिरयानी बनाना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी से बिरयानी हमारी बनके कंप्लीट। और इसी बिरयानी के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग माशाल्लाह से आ रहे थे और ये स्लीव्स मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, सना ने उठाई और ऊपर जाके इसको हाफ़ स्लीव्स कर दिया और लेकिन मुझे इतनी अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं हाफ़ स्लीव्स कभी नहीं पहनती, मैं क्या कोई घर में नहीं पहनता है, और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हाथ खुला ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने हाथ को ना उसकी स्लीव्स को सही कर लिया। मैंने सोचा ये अम्ब्रेला वाली जो स्लीव्स होती है ना मुझे बहुत गंदी लगती है, तो ये ना मैंने क्या करा सही करने के बाद एक क्लेचा लगा लिया ताकि मेरे खाने में ना जाए, वरना खाने से पहले तो ये आगे बढ़ जाती है। तो आरओ भी लग गया फ्रेंड्स और बिरयानी की बिल्कुल तैयारी हो गई है, कोरमा हमारा रेडी हो रहा है। इसी बीच इतना ज़्यादा आना जाना था फ्रेंड्स, इतना आना जाना था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे। एक बार तो ऐसा लगा कि कोरमा ना जल गया है और वाकई जल गया था, लेकिन इसके बावजूद बिरयानी इतनी लजीज बनी, इतनी लाजवाब बनी, सभी ने कहा कि बिरयानी वाकई आज की बहुत अच्छी बनी। तो मैंने सना से कहा सना ऐसा करते हैं जब बिरयानी अब की बार नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इसी तरीके से कोरमे को एक बार जलाएंगे ज़रूर, ताकि वो जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत अच्छी टेक्सचर आया था जो कोरमे का, वो बहुत लाजवाब था फ्रेंड्स। तो बस हम लोगों ने क्या करा, रात में काफ़ी देर बाद बिरयानी तैयार हो पाई थी क्योंकि आने जाने की वजह से अब ये कर रहे हैं तो बीच में कोई आ जाता है तो फिर दही बड़े और ये सब चीज़ें। मैं प्याज दिखा रही हूँ, मुझे फ्राई प्याज मैंने जो करके रखा ना वो, इधर नींबू काट लिया है पानी के लिए, जो पानी बॉयल हो रहा है चावलों का उसके लिए, इधर पानी बॉयल हो रहा और एक तरफ ना कोरमा रेडी हो रहा है। कोई आ जाता है बीच में तो दही बड़े बना के रखे थे फ्रेंड्स हमने दोबारा, फिर दोबारा सिमई बना के रखी है ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स ना ये व्लॉग ना मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करा है और फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ज़्यादा व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, व्लॉग भी बन गया था तब भी इसके बावजूद मैं शेयर नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स, बस लोगों की लोग आना जाना जो इतना ज़्यादा था माशाल्लाह से तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। बस बिरयानी बन गई, हम लोग सब खा रहे हैं, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।